गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश आदेश, काल भैरव महाराज के अनेक रूप हैं। शुरुआती रूप बटुक भैरव महाराज का स्वर्ण आकर्षण भैरव का फिर अष्ट भैरव फिर शक्ति पीठों के भैरव चौसठ योगिनियों के भैरव भैरव महाराज के पूजा से लोगों को डर लगता है लेकिन भैरव महाराज के कई ऐसे मंत्र हैं जिसको एक गृहस्थ को करना चाहिए तो ऐसे पांच मंत्र मैं आज आप लोगों के साथ साझा करूंगा। ये करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैरव जी की जब आप घर पे साधना करते हैं तो अगर बटुक भैरव महाराज की साधना आप कर रहे हैं तो आप उनकी तस्वीर रख सकते हैं काल भैरव महाराज की अगर साधना कर रहे हैं तो किसी मंदिर में अगर प्रतिष्ठित तस्वीर विग्रह है भैरव बाबा की तो उसकी तस्वीर आप अपने घर पर रख सकते हैं वरना एक चौमुखी दिया में तिल का तेल या चमेली का तेल या सरसों का तेल ऐसा जला के चौमुखी दिया में भैरव की स्थापना कर सकते हैं स्थापना में बहुत ज्यादा मंत्र यंत्र का प्रयोग ना करते हुए बस इतना कहना कि हे भैरव महाराज मैं आपको आपका आवाहन करता हूँ आप मेरी पूजा को ग्रहण करो ऐसा बोलने से भैरव महाराज की कृपा उस स्थान पर आ जाती है ठीक है तो अब मैं आपको बताऊंगा भैरव जी के पांच मंत्र जो आपको जानना चाहिए सबसे पहले भैरव का जो मूल मंत्र है मतलब क्षेत्रपाल मंत्र सुरक्षा के लिए उस मंत्र को हर रोज दक्षिण दिशा की तरफ एक सौ बार करना चाहिए क्या मंत्र है ओम ह्रीम आपादु द्वारणाय कुरु कुरु स्वाहा ठीक है ओम ह्रीम आपादु द्वारणाय कुरु कुरु स्वाहा फिर से एक बार सुनिए ओम ह्रीम आपादु द्वारणाय कुरु कुरु स्वाहा ठीक है ये बटुक भैरव के मंत्र जो कि इंटरनेट पे चलते हैं उनसे काफी मिलता जुलता मंत्र है लेकिन ये भैरव जी के के क्षेत्रपाल का मंत्र है ठीक है क्षेत्रपाल रूप में जो भैरव होते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है वो है महाभैरव का महाभैरव किनको कहते हैं जब जो तीन भैरव जी के रूप हैं मतलब काल भैरव बटुक भैरव और स्वर्ण भैरव ये तीन भैरव जी के प्रमुख रूप माने जाते हैं इन तीनों के ऊपर जो स्वरूप है उसको कहते हैं महाभैरव महाभैरव का जो मंत्र है वो है ओम ब्रह्म भैरवाय नमः क्या है ओम ब्रह्म भैरवाय नमः ब्रह्म बीज मैंने आप लोगों को पहले भी दिया था महाभैरव मंत्र जो है वो है ओम भ्रम भैरवाय नमः ठीक है अब आते हैं तीसरे मंत्र पे जल्दी जल्दी मंत्र बता रहा हूँ तीसरा मंत्र है बटुक भैरव का प्रत्यक्षीकरण मंत्र तो क्या है बटुक भैरव का प्रत्यक्षीकरण मंत्र ओम ह्रीम बटुकाय आपादु द्वारणाय कुरुकुरु जो कुरु पहला मंत्र बोला था और इस मंत्र में बस इतना अंतर होगा कि गुरु स्वाहा था पहले मंत्र में इस मंत्र में गुरु वटुकाय ठीक है अब जिनको तंत्र मंत्र यंत्र से डर रहता है जिनके घर में ऐसा रहता है कि तांत्रिक बाधा है भूत प्रेत की बाधा है या फिर परिवार में अत्यधिक कलेश हो रहा हो जिनका बनता काम बिगड़ रहा हो कारण नहीं समझ में आ रहा क्यों ऐसा हो रहा है तो ऐसे लोगों को भैरव जी का रक्षा मंत्र जो है उसका उच्चारण करना चाहिए इसको उच्चारण करने का विधान ये है कि आप गूगल का धूप जलाएं भैरव जी के नाम पर ठीक है और काले हकीक के माला से इसका जाप करें इसका जाप अगर आप घर पे कर रहे हैं तो नॉर्थ दिशा की तरफ मुख करके करेंगे और अगर घर के बाहर कर रहे हैं जहाँ पर आपके धन या परिवार का संबंध न हो तो दक्षिण दिशा में करेंगे मंत्र क्या है ओम भ्रिम भैरव भयंकर ओम ह्रीम भैरव भयंकर हर माम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा ओम ह्रीम भैरव भयंकर हर माम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा फिर से सुनिए ओम भ्रिम भैरव भयंकर हर माम रक्ष रक्ष स्वाहा अब वो मंत्र जिसके लिए आप लोग सब परेशान रहते हैं वो है वशीकरण का मंत्र भैरव जी का जब वशीकरण का मंत्र चलता है तो उसका एक अलग विधान होता है क्या विधान होता है भैरव जी का जो चौमुखा दिया रहता है वो एक तसले में एक पीतल के प्लेट में मधु भर दिया जाता है ठीक है उसके ऊपर उनकी स्थापना होती है चौमुखे दिए में ठीक है और उस दिए में सिर्फ चमेली का तेल रहेगा उसके बाद भैरव महाराज को गुलाब या कोई भी लाल फूल चढ़ाया जाता है और लाल फूल ऐसे आपको चढ़ाना है कि वो जो दीपक का जो प्लेट है वो पूरा भर जाए उसके सामने फिर तीन अगरबत्ती जलाएंगे और फिर इस मंत्र का जाप करेंगे किसी पर वशीकरण का प्रयोग करना हो तो कम से कम सात दिन इसका जाप करके उसके बाद मधु से इसका हवन करते हैं मंत्र क्या है मंत्र है ओम नमो वटुक भैरवाय काम देवाया, यस यस दृश्यो भवामी यक्ष यक्ष मम सुखम तम तम मोहयतु स्वाहा ओम नमो वटुक भैरवाय काम यस्य यस्य यस दृश्यो भवामी यक्ष यक्ष मम सुखम तम तम मोहायतु स्वाहा ठीक है मोहायतु स्वाहा जो मुझे देखे वो मुझसे मोहित हो जाए इस मंत्र को करने के बाद इसका हवन करेंगे तो इसका असर ज़्यादा दिखेगा अभी इसमें मैंने जो शब्द यूज किया है कि यश यश दृश्य मतलब जो जो मुझे देखे ठीक है लेकिन यश यश के जगह आप अमुख मतलब किसी का नाम भी लेकर के इस साधना को कर सकते हैं एक बढ़िया मंत्र है जो बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र यंत्र में नहीं पढ़ना चाहते हैं वो सिर्फ भैरव महाराज का दीपक जलाएं तीन अगरबत्ती जलाएं और वहाँ पे रोज पूजा स्थान पर ओम रोम रिम ह्रुम ह्लिम हुम ओम इस मंत्र से भैरव जी का जाप करें एक बार रुद्राक्ष में ओम राम रिम ह्रुम ह्लिम हुम ओम तो ये कुछ बहुत ज़रूरी भैरव जी के मंत्र हैं जो आप लोगों को जानने चाहिए ऐसे तो भैरव जी के काफ़ी साबर मंत्र और काफ़ी तरीके के मंत्र हैं जितने तांत्रिक विधान जितने भी साबर विधान हैं वो सब भैरव जी के इशारे पे चलता है जो भी साधनाएं चलती हैं वो भैरव और काली पे ही चलती हैं लेकिन कुछ बहुत विशिष्ट साधनाएं हैं जो आम जन मानस को पता होना चाहिए उसमें से ये पांच मंत्र है भैरव जी के इसका आप लोग प्रयोग कीजिए और अपने जीवन में जो छोटी मोटी आप लोगों की कठिनाई हो उसको इन मंत्रों के द्वारा ही दूर कीजिए ना कि किसी तांत्रिक या अघोरी के साथ आप लोग जाइए ठीक है आ, भैरव जी की तीन और विशिष्ट सिद्धियों वाली साधना मैं आपको इस महीने दूंगा उन साधना को जो भी साधक वर्ग है वो कर सकते हैं आज के लिए इतना ही जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव इसमें आप मुझसे साधना का बेसिक मतलब आसन बंधन दिशा बंधन ये सब सीखेंगे जो कि गुरु मंत्र जो अघोर में होता है नाथ में उससे पहले आपको जानना चाहिए डायरेक्ट बात करने के लिए मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए उसमें रुद्रनाथ एट सी एम फोर सर्च करेंगे तो आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी आप उस पर डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप